तन्मय विजय का डॉक्टर है, उनकी तरफ से ये कैंप ऑर्गेनाइज हो गया है और मेरी स्कूल के लगातार सभी बच्चों ने यहाँ इसमें हिस्सा लिया है और पिछले लगभग एक साल से ये बच्चे कैंप में आ रहे हैं। 3-3 महीने से उनका फॉलोअप लिया जा रहा है। हर एक बच्चे में जितना भी प्रोग्रेस दिखता है वो सब हम लोग लिखते हैं, डॉक्टर्स को बताते हैं और वो फॉलोअप देख के वो हिसाब से उनमें दवाइयों में चेंजेस होते हैं। और अभी तक जितने भी बच्चों ने ये कैंप में हिस्सा ले कर दवाई ली है वो सब बच्चों में हमें तरक्की नज़र आई है, बल्कि यानी कि उनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया है देखो, या फिर उनका मस्ती कम हो गया है, हाइपर एक्टिविटी जो बोलते हैं वो थोड़ी कम हो गई है, उनको सर्दी खांसी जैसे कोई बीमारी है तो वो कम हो गई। तो लगभग हर एक बच्चों में कोई ना कोई चेंजेस तो नज़र आए, वो सब चेंजेस पॉजिटिव है। आज यहाँ पे जो होम्योपैथिक डॉक्टर का जो कैंप है ये हमारे यहाँ पे हर 3 महीने में हमारे यहाँ पे रहता है और जो हमारे बच्चे हैं इनमें थोड़े बिहेवियर इश्यूज़ होते हैं या जो फिज़िकल इश्यूज़ होते हैं, इसके लिए हमारे यहाँ पे ये डॉक्टर्स ने कैंप रखे हैं। जो पहले हमारे इन बच्चों में काफ़ी दिक्कतें थी, जैसे हाइपर एक्टिव बच्चा है तो वो एक जगह पर नहीं बैठता था तो पेरेंट्स बहुत तकलीफ़ में थे, तो उनमें बहुत सा इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रही है। पेरेंट्स को पूछा तो पेरेंट्स बोल रहे हैं कि बच्चा एक जगह पे बैठने लगा है। जिनको यूरिन का प्रॉब्लम था, रात को बेड वेटिंग करते हैं या उनको कंट्रोल नहीं हो रहा है, उन बच्चे में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट है कि वो बच्चे भी अभी बहुत कम यूरिन प्रॉब्लम हो रहा है उनको। और जो लड़कियां हैं उनको पीरियड्स का प्रॉब्लम भी होता था तो उनमें तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। पेरेंट्स बहुत सेटिस्फाइड है कि बोल रहे कि उनको जो तकलीफ़ होती थी वो तकलीफ़ भी बंद हो गई है और उनको समय पर वो सब चालू हो रहा है। तो होम्योपैथी मेडिसिन से बहुत ही इम्प्रूवमेंट हमारे बच्चों में दिखाई दे रही है।